हीरो करिश्मा XMR 210 सीसी में कौन कौन से कलर मिलते हैं आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। सबसे पहले आप देखेंगे ये है येलो कलर, इसमें आप देखेंगे ड्यूल टोन कलर मिल रहे हैं। यहाँ पर इसका टैंक जो मेन सेंटर काउल है वो येलो कलर का है, यहाँ पर ब्लैक, यहाँ पर करिश्मा लिखा हुआ है और यहाँ पर आप देखेंगे XMR, यहाँ पर आपको ग्रे कलर के स्टीकर हीरो लिखा हुआ है। फ्रंट लुक कुछ इस प्रकार से है, आप लोग देख लें। यहाँ पर आपको ये हीरो का 3D लोगो, LED DRL, दो प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं और ये देखिए छोटे से इंडिकेटर जो कि फ्लेक्सिबल हैं। और सबसे प्यारी मुझे लग रही है इसमें चाबी इसकी, यहाँ पर आप देखेंगे ये इसकी सबसे प्यारी चाबी है। यहाँ पर आप देखेंगे भाई ये इसमें आपको चार्जिंग की सुविधा मिल जाती है। बटन बहुत ही ज़्यादा प्यारी और यूनिक दी गई है और मैं इधर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं तो मैं इधर आपको रेड कलर तब तक दिखा देता हूँ। आप देखेंगे ये रेड कलर है, इसमें भी आपको ड्यूल टोन कलर मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस बटन से अगर आप देखेंगे तो इसके वाइजर को आप एडजस्ट कर सकते हैं जो कि अच्छी बात है। और ड्यूल चैनल ABS मिलता है, 300 mm की 300 या 310 mm की डिस्क ब्रेक मिलती होगी, 810 mm का इसमें सीट हाइट मिलती है और SAC स्लीपर एंड असिस्ट क्लच इसमें आपको मिल जाता है। और भैया 210 cc का लिक्विड कूल्ड 4 वाल्व वाला सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है जिसमें 25.5 PS की पावर मिलती है, 20 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है, DOSC ड्यूल ओवरहेड कैम शाफ्ट इसमें सिस्टम मिल जाता है। अगर आप सस्पेंशन देखेंगे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रॉक्स सस्पेंशन है भाई, गजब है एकदम। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है भाई, चौड़े टायर दो, 140/70/17 का ट्यूबलेस टायर मिल रहा है जो कि चौड़ा भी है और देखने में गजब लग रहा है, गजब। पीछे का लुक एकदम जहर है। यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 240 mm के डिस्क ब्रेक आपको मिल जाती है। और भाई पीछे से एक बार लुक दिखाऊं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 210। और भाई ये चीज़ जो है ना, इतना स्पोर्टी है इसका पीछे का डिज़ाइन। यहाँ पर अगर आप देखेंगे भाई, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है, स्प्लिट ग्रैब रेल, ये है बैक लाइट का डिज़ाइन जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रहा है। और पीछे से आप देखेंगे कितने चौड़े टायर के साथ ये बाइक आती है जो कि गजब लग रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये, यहाँ पर भाई इधर से ये लेफ्ट साइड व्यू है और मैं चल के आपको ब्लैक कलर दिखा देता हूँ, नहीं तो बाइकें चली जाएंगी तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ भाई ब्लैक कलर। यहाँ पर आप देखेंगे ये है ब्लैक, यहाँ पर भी ड्यूल टोन मिल रहा है, ये ग्लॉसी ब्लैक है, ये मैट फिनिश है और ये है इसका फ्रंट लुक ब्लैक कलर का। और भाई ये देखिए 1,73,000 रुपये इसकी एक शोरूम प्राइस है और माइलेज 40 के आसपास 40-45 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे 210 लिखा हुआ है, स्प्लिट ग्रैब रेल और भाई ब्लैक कलर में एकदम गजब लग रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा फेवरेट कलर जो है वो येलो कलर लग रहा है, क्योंकि ये क्योंकि ऐसी बाइक जब कोई ख़रीदता है तो वो ये चाहता है कि जैसे कि भाई वो दूर से ही पहचाना जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे येलो कलर जो कि बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ पर इसमें भी इसके साइलेंसर के कलर को भी बढ़िया दिया गया है जिससे ये अच्छी तरीके से दिख सके और देखने में अच्छा लगे। तो ये है भाई ब्लैक कलर। और अब मैं आपको येलो कलर दिखा रहा हूँ, ये रेड कलर दिखा रहा हूँ, तो यही टोटल 3 कलर आपको इस बाइक में मिलते हैं। अब यहाँ पर येलो कलर की बात करेंगे थोड़ा सा इधर वाली बाइक की। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से सीट इसकी अनलॉक होती है और सीट पर भी बढ़िया डिज़ाइन बनाया गया। और ये देखिए मतलब जब कोई राइडर इस पर, राहुल ज़रा बैठ के दिखाओ ज़रा, जब इस पर कोई राइडर बैठेंगे ना भाई तो ये देखिए मतलब एकदम पकड़ बनी रहेगी। पैर रखो, पैर रख के देखो, पहुँच रहे हैं, हैं स्टार्ट करो ज़रा, साउंड सुनाओ। एक मिनट, अब आवाज़ के थोड़ा साउंड कम करो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कोई एक्स्ट्रा नॉइज़ नहीं है, किसी टैपिट पैपिट की किसी की चीज़ की कोई आवाज़ नहीं, मतलब इतना साइलेंट इंजन आपने देखा नहीं होगा 210 cc का। और लगभग बाइकों में आपको टैपिट की आवाज़ और बहुत सारी आवाज़ कैम साफ की, इन सब की आवाज़ मिल जाती है, लेकिन इसमें कोई आवाज़ नहीं, मतलब ये चीज़। इसमें बंद करके स्टार्ट करो एक बार, फिर स्टार्ट करो, बस। तो यहाँ पर ट्रेलिस फ्रेम इसमें दिया गया है, जो चेसी है इसको बहुत ज़्यादा मजबूत दिया गया है। बंद कर दो भाई एक बार यहाँ पर। और ये चीज़ इसका थोड़ा पीछे करके इसे लेकर आओ, पीछे करके चला के लेकर आओ ज़रा। तो भाई अगर ऐसे घुमा लेते भाई, ऐसे घुमा के ले आओ एक बार, सब चला रहे हैं तो तुम भी चलाओ। कैसी लग रही है ज़रा चेहरे से बताओ, थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं लोग, बताने में मज़ा कम आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें, यहाँ पर कूलेंट इसमें पड़ेगा,
और बाकी इसमें फुली डिजिटल मीटर मिल जाता है भाई। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं जैसे कि ABS, लो फ्यूल, हाई बीम इंडिकेटर और ये RPM लिमिट की लाइट और लो फ्यूल, चेक इंजन लाइट, साइड स्टैंड, और इसको आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। और मीटर जब आप रात में देखेंगे ना इतना प्यारा लगेगा ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। क्लच एकदम मक्खन है, मुलायम है। और ये एक्सीलेटर बहुत अच्छी बात है क्योंकि इन्होंने सिंगल वायर दी है जिसकी वजह से ये बाइक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फीचर्स के साथ आ रही है। अब मैं ज़रा इस पर बाहर बैठकर दिखाऊंगा, राहुल भाई पकड़ेंगे कैमरा। तो भाई ये है, मेरे हिसाब से सीट हाइट 810 mm है लेकिन आपको कंफर्ट राइडिंग मिलेगी। और इसका जो सीट ये सीटिंग पोजीशन है और हैंडल है ना भाई, ये क्लिप ऑन हैंडल बार है, ये आपको ज़बरदस्त मज़ा देने वाले हैं। मतलब आप कितनी भी दूर चलाएंगे तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि आपको बिल्कुल भी थकान नहीं आएगी। और क्लच एकदम मक्खन है और ब्रेक बढ़िया लग रही है, और मतलब चला के बताऊंगा लेकिन अभी फ़िलहाल जैसे ब्रेक दबाने पर अच्छी लग रही है। और इसके अलावा क्लच और सीट हाइट, ये तो मतलब एक आज की डेट में जो युवा चाहते हैं, यंगस्टर्स चाहते हैं कि चौड़े टायर, मोनो सस्पेंशन विथ नाइट्रॉक्स टेक्नोलॉजी के साथ, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, 140 mm का वाइड टायर, 210 mm का लिक्विड कूल्ड इंजन जिसमें भाई 25.5 PS की पावर है। मतलब स्ट्रीट रेसिंग कोई भी रेसिंग करनी हो एकदम चीर फाड़ देगी ये बाइक, एकदम मज़ा आ जाएगा। और 20 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलेगी, कहीं पर भी कूदाओ मज़ा आएगा। इसके अलावा इंजन में एक पैसे की वाइब्रेशन नहीं है, किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं आती है, तो एकदम झक्कास। और अगर आप आगे से देखेंगे तो LED DRL के साथ ये बाइक बहुत ही ज़बरदस्त लुक के साथ आती है जिसमें आपको मज़ा 100% आने वाला है। और मीटर में फ्यूचरिस्टिक है, मीटर में आपको बहुत सारे इसमें फीचर्स मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक बेहतर सौदा है 2023 का, जिसमें आपको पावर, लुक, फीचर्स, माइलेज सब कुछ एवरीथिंग मिलने वाला है। और सबसे ज़्यादा ऐसी बाइक जब कोई ख़रीदता है ना तो उसको भाई ये लगना चाहिए कि हाँ फील आना चाहिए, तो इसमें 100% आपको फील आने वाली है। तो आपको करिश्मा कैसी लगी, कलर इसके कैसे लगे, कौन से कलर आप खरीदना पसंद करेंगे, आप लोग अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने चैनल को बाइक वन बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिल शुभ रहे, धन्यवाद।